वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो आज मैं अपना वेडिंग लुक रिक्रिएट कर रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि आज से 9 साल पहले मेरी शादी हुई थी, 8 साल पहले मेरी शादी हुई थी। तो जब मेरा लुक इसी ड्रेस में कैसा था और इस बार कैसा होने वाला है, वैसे मैं काफ़ी सिमिलर करने वाली हूँ, लेकिन काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो गई हैं, मैं ही चेंज हो गई हूँ काफ़ी। तो चलिए हम रिक्रिएट करते हैं अपना वेडिंग लुक, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लगा रहे हैं यहाँ पर मार्क का एचडी वाला फाउंडेशन। ये काफ़ी पार्टी वेयर होता है और ब्राइडल के लिए बेस्ट होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ ड्रॉप ले लिए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम इनको फ्लॉलेस कर देता है और बहुत ही मस्त लगता है। तो इसको मैं ऐसे करके पूरे फेस पर ऐसे ऐसे करके अप्लाई कर लूँगी पहले। तो यहाँ पर फाउंडेशन मेरा कम्प्लीट हो गया है, जिससे मेरा फेस बन गया है। इसके बाद मैं यहाँ पर हीरोइन का ऑयल कंट्रोल पाउडर ले रही हूँ, और ये डबल उसमें आता है, काफी नहीं कर दिया है। तो ये ऊपर जो आता है ये मैट है, जबकि पर डे जैसे आप कहीं मतलब पॉलिश वगैरह जाते हो और फिर जाते हो तो लगा सकते हो। और ये जो सेकंड इसका पोर्शन दे रखा है, इसमें पार्टी वेयर है। देखो इसमें थोड़े से पार्टिकल्स दिए गए हैं जो कि सिमर के पार्टिकल्स हैं जो कि शाइन करते हैं। तो मैं पार्टी वेयर मेकअप कर रही हूँ, मतलब ब्राइडल मेकअप कर रही हूँ, तो मेरे को यही वाला लगाना होगा। मैं अच्छा सा लिप शेड निकालती हूँ। तो ऑब्वियसली लहंगा रेड है तो मैं रेड कलर का यहाँ पर लिप शेड यूज कर रही हूँ। तो ये मैंने लिप शेड लिया है ड्यू का, जो कि काफ़ी अच्छा है, मुझे इसका बेस वगैरह सब अच्छा लगा। यहाँ पर मैं इसी को अप्लाई कर रही हूँ। अच्छे से मेरा यहाँ पे लिप कलर हो गया है। अब लिप कलर होने के बाद मैं यहाँ पर आईज का मेकअप शुरू करूंगी। बहुत अजीब पार्टी वेयर, हम अलग ही दिखते हैं कुछ। तो आई शेडो में बहुत ज़्यादा लाइट यूज करूँगी। यहाँ पर मैंने काजल भी अप्लाई कर दिया है। और बताएं, मैं हर बार की तरह मैट लुक का यहाँ पर लाइनर यूज कर रही हूँ मेरा, क्योंकि काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है ये लाइनर मेरे को। आईलाइनर भी मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक से मैंने यहाँ पर लगा लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल एकदम लाइटली, ये मेरा जो पैलेट है ये उसका है शियोन का। तो ये मेरे बच्चे ने इसको देखो क्या हाल रखी है, तोड़ के रख दिया, लेकिन अभी कलर मतलब काफ़ी अच्छे हैं तो मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ, वेस्ट करने से क्या ही फायदा। तो मेरे इस लहंगे के अकॉर्डिंग मैं इसमें ये शिमर का जो रेडिश मतलब ये वाला शेड है ये ले रही हूँ, और इसके साथ थोड़ा सा मैं यहाँ पर गोल्डन मैच करूँगी। तो आईज मेकअप ठीक लग रहा है। इसके बाद अब मेकअप में हमारा रह गया जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वह बिंदी। ये मेरी बिंदी की बुकलेट है, कोई थोड़ी थोड़ी बची हैं, कहीं कहीं से मैंने यूज़ कर लिया, इसमें कई साइज आते हैं इस तरीके से। तो मतलब ये इसी प्लेन रेड बिंदी लगाने वाली हूँ। उस समय मैंने स्टोन बिंदी लगाई थी, बट आज मैं रेड कलर की बिंदी के साथ इसे रेड कलर की बिंदी की जस्ट ऊपर लगाऊंगी मैं एक स्टोन, क्योंकि मेरे पे स्टोन वाली रेड बिंदी नहीं थी,
तो मैं यही इसको अपने तरीके से बिंदी मैंने क्रिएट कर ली है। देखिए गाइस बिल्कुल लहंगे पे मैच कर रही है ना बिंदी। तो एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं होती है तो हमें उसी में ही एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे ये बिंदी, तो एक प्लेन बिंदी लीजिए, उसमें एक स्टोन की बिंदी लगा लीजिए और बस। तो ये मेरा लुक यहाँ पर कम्प्लीट हो गया। और अब मैं इस तरीके से और बस मैं इतनी ही ज्वेलरी पहनूंगी, ऊपर में वो नहीं पहनूंगी जो लॉक वाली ज्वेलरी होती है। उस समय ये मेरे पास ज्वेलरी में काफ़ी ऑप्शन नहीं थे, बट अभी मेरे पास काफ़ी ऑप्शन है। और यहाँ पर इयररिंग्स भी मैं काफ़ी भारी भारी पहनने वाली हूँ, इसके साथ ही इयररिंग्स हैं ये काफ़ी हैवी हैं, तो यही मैं पहनने वाली हूँ। ये मैं माथा पट्टी यहाँ पर यूज़ करूँगी, टेडी का पूरा सेट है ये, तो ये सेट करना बड़ी टेडी खीर है, तो मैं इसे पहले सेट कर लेती हूँ। सेट करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना बन तैयार कर लेती हूँ। बन में क्या होगा कि वो जो मेरी ज्वेलरी है अच्छे से टक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक अच्छे से बन क्रिएट करने के लिए दो नट की हेल्प लूँगी, पूरा पिन से सिक्योर कर। बड़ी मुश्किल से सेट हुई, बहुत टाइम लग गया मुझे माथा पट्टी सेट करने में। अब आई मेरे लहंगे की चुन्नी की बारी। तो मेरा दुपट्टा भी लहंगे का काफ़ी मतलब हैवी है, तो इसे मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ। और डिजाइन बना हुआ है जो कि मेरे सर के ऊपर आएगा इस तरीके से, काफ़ी सुंदर लहंगा है लोटे सा। सबसे अच्छी बात मेरी शादी का है तो मुझे तो मस्त लगने ही वाला है। तो मैं यहाँ सोच रही हूँ किस तरीके से अपना जो दुपट्टा है उसे कैसे पेयर अप करूँ। तो फ्रेंड्स ये था मेरा फुल मेकअप लुक, आई होप आपको पसंद आया होगा। और करवा चौथ पर मैं कुछ ही इसी टाइप का मेकअप करने वाली हूँ। आज तो मैंने अपनी जो शादी का वेडिंग आउटफिट था उसको मैंने रीस्टाइल किया है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। गड़ी आई क्षण जितना कुकड़ा।